सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। गुड इवनिंग आप सभी लोगों का। मैं एक बार फिर से आर्यस तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी आप लोग घड़ी देख लीजिए, 11:55 लगभग हुए हैं और हम आपकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हैं। और जैसा कि इसके पहले मैंने वर्क एंड टाइम आपको जो लेक्चर वन दिया था, पार्ट वन दिया था, अभी मैं वर्क एंड टाइम पार्ट टू देने वाला हूं। तो वर्क एंड टाइम पार्ट वन में मैंने आप लोगों को दो मॉडल बताए थे, लेकिन अब मैं दो और मॉडल इसमें बताने वाला हूं, जिसमें का सबसे पहले आप ये जान लीजिए मॉडल नंबर 3 और इसके बाद बताऊंगा मॉडल नंबर 4। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि मॉडल नंबर 1 और 2 वीडियो नंबर 1 में दे चुका हूं और ये है पार्ट 2 जिसमें हम मॉडल नंबर 3 से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बेटा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अब मुझे देखना है कि अभी पहले मॉडल में मैंने क्या पढ़ा, एक बंदा इतने दिन में करता है, दूसरा बंदा इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात होती थी, एलसीएम निकाल लेते थे, सीधा कॉन्सेप्ट हो जाता था और आंसर चुटकियों में हमारे पास आ जाता था। लेकिन अब क्या करना है मुझे? जब आए हम मॉडल नंबर 2 में तो पता लगा कि दो लोग काम करते थे एक साथ, एक का दे दिया गया, दूसरे का पूछ लिया गया, ऐसे निकालना पड़ा। अब मॉडल नंबर 3 में उसी काम को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, पीछे जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे हम, लेकिन अभी बेसिकली मुझे मॉडल नंबर 3 में जाना है, एंट्री करना है मॉडल नंबर 3 में, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल नंबर 3 का गोल जानिए कि मॉडल नंबर 3 है क्या। मॉडल नंबर 3 ये है कि बंदा काम करता रहे और कुछ दिन बाद काम छोड़कर चले जाए। तो काम छोड़कर जब चला जाता है तो जाहिर सी बात है भैया, उतना काम कम होगा। जब उतना काम कम होगा तो कोई ना कोई करेगा, और जब कोई करेगा तो ये बात कहां तक बनेगी, उसी बात को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखिएगा, तो मेरा मेन मोटिव यहां पे क्या है कि आपको देखना है कि कौन बंदा काम छोड़ के कब जा रहा है, और जिस कंडीशन में वो काम छोड़ के गया, जब वो काम छोड़ के गया तो कितना काम हो चुका था और कितना काम बाकी था। तो यही आपको बेसिकली यहां पे दो तरीके इसके मैं आपको बताऊंगा, जैसे हर क्वेश्चन के मैं दो तरीके बताता हूं, इस क्वेश्चन के भी मैं आपके दो तरीके बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए बिल्कुल लगे रहिए और हम आप लोगों के लिए कुछ भी करेंगे। इतनी रात को आप लोगों के साथ हम खड़े हैं तो आप जानिएगा कि बहुत कुछ इसमें आज आपको मैं देने वाला हूं और उसमें कोई एयर डाउट वाली बात नहीं है। मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, फिर से बता देता हूं कि पेट्रोल से तो सब आग लगाते हैं, हम पानी में आग लगा के दिखा देंगे यार, बस साथ दो, पानी में आग लगेगी। चलिए अब देखिए मॉडल नंबर 3। अब एक क्वेश्चन, हम छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट करते चलिए। तीन तीन क्वेश्चन एक मॉडल पे, तीन तीन क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको डिस्क्राइब करूंगा, एक एक तरीके से उसको बताऊंगा कि कैसे क्या, एक एक उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स आर देयर फॉर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो बंदे हैं और वे किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने दिन में? ए 10 दिन में और बी 12 दिन में उसको क्या कर देता है, पूरा कर देता है। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे कॉन्सेप्ट बेटा क्या है कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, मान लेते हैं 2 दिन। कितने दिन काम किया? एक छोटा सा यार, 2 दिन काम किया। देन ए वहां से काम छोड़कर चला गया। क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में, दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, लेकिन 2 दिन काम उन्होंने किया, करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया,
तो शेष काम भी कितने समय में पूरा करेगा। फिर से एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा किया, तब ए और बी मिलकर उस काम को 2 दिनों तक करते हैं, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द एलसीएम, एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 और 10 का एलसीएम बेटा कितना होगा जरा बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं वो वही है, कितना है 60, तो 10 6 60 और यहां पे 12 5 60, क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अब प्रश्न में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए और बी ने मिलकर बेटा कितने दिन काम किया? ए और बी ने मिलकर 2 दिन काम किया और इनके 1 दिन के काम करने की औकात कितनी है? 6 5 दोनों जोड़ देंगे 11, बेटा 22 यूनिट काम हो गया। कितना काम हो गया? 22 यूनिट, 22 यूनिट काम हो गया कितने दिन में? 2 दिन में। टोटल वर्क कितना है? 60, टोटल वर्क 60 है बेटा, और ध्यान दीजिएगा टोटल वर्क 60 है, 60 में से 22 ए और बी ने मिलकर 2 दिन में कर दिया है, तो 22 इसमें से निकाल दे। अब ए यहां से जा चुका है यार, ए यहां से जा चुका है, तो बचा कौन है? बी बचा है। अब ये काम जो बचा है वो बी को करना है, तो बी को कितना काम करना है? 60 में से 22 बेटा माइनस करेंगे, 60 में से 22 माइनस करेंगे तो बेटा आ जाएगा कितना? 38, और बी के 1 दिन काम करने की औकात कितनी है? 5, तो 5 7 35, 7 सही 3/5 दिन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से देख लीजिए इसको एक बार, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और देखिएगा अब मैंने उसका तुरंत एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया? 60, तो 10 6 60 और 12 5 60। अब कह रहा है ए और बी मिलकर दोनों 2 दिन काम करते हैं, तो यार इनके 1 दिन की औकात कितनी है? 6 5, 11 यूनिट 1 दिन का काम है, तो 2 दिन में यार कितना करेंगे? 22 करेंगे ना, सीधी सी बात है यार, तुम 1 दिन में 11 रोटी खाते हो तो 2 दिन में कितना खाओगे? 22 खाओगे ना? अरे यार खाते हो नहीं खाते हो, बस बात बोलने वाली है, भावनाओं को समझिए, शब्दों में कुछ नहीं रखा है, सीधी सी बात है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 11 × 2 बराबर कितना आ गया? 22 आ गया। अब 60 में से 22 काम हो गया, बचा कितना? 38 भैया, जब 38 बटा, तो 38 में हम 5 से क्या करेंगे? डिवाइड मार देंगे, बेटा आ गया 7 सही 3/5 दिन, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट? चलिए ठीक है, और ध्यान दीजिएगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, एक दूसरे रूल से भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही रहेगा, बेस बेटा यही है, बस थोड़ा सा मिटा दीजिए यहां से, सारी कुछ चीजें यही हैं, थोड़ा सा इसको हम ऐसे भी सेटअप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सेटअप? ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेटअप, मैं क्या सेट करना चाह रहा हूं वो चीज मैं माना, ध्यान दीजिएगा, क्या मानना मनाना इसमें कुछ नहीं है यार, सीधी सी बात है। ए और बी मिलकर कितने दिन करते हैं? 2 दिन करते हैं। अब ए तो यहां से गॉन हो गया, चला गया, बचा कौन है? बी कितने दिन काम किया? एक्स दिन काम किया, देन पूरा काम हो गया कितना? 60 यूनिट, ये टोटल, इसको नहीं भूलना है। जैसे अपने माता पिता का नाम कोई बंदा नहीं भूलता, ठीक उसी प्रकार से ये 60 को भी आपको नहीं भूलना है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 a + b की वैल्यू यहां पे 6 + 5 + बी की वैल्यू हो गई 5 × x = 60, ये 6 5 11 2 22 = ध्यान दीजिएगा 22 + 5x = 60, देन 5x = 38, देन x = 38/5, सो योर आंसर विल बी, ये 5 है, ध्यान दीजिएगा 5 7 35 3/5 दिन, ये आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? फिर से देख लीजिए, अगर मैं बात करूं यहां पे कि सीधी सी बात है यार, सिस्टम देखो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड सिस्टम, क्या सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीका क्या है यार, इसका जो एक लॉजिकल वे है हम उसकी बात कर रहे हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, एलसीएम 60,
दस छक्के 60, 12 पच्चे 60, दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, बी अकेला उस काम को जो शेष काम है रिमेनिंग वर्क कितने दिन काम किया, क्योंकि 2 दिन बाद ए वहां से चला गया है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल सीधी सी बात है यार, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, हम मिटा रहा हूं इसको, लीजिए इसको मैंने मिटा दिया, और यहां पे हम एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। छोटी सी बात, जैसे मैं आपसे कहूं ए बी सी, तीन बंदे हैं, कितने बंदे? 3 बंदे। ए किसी काम को करता है 12 दिन, ये करता है 16 दिन, ये करता है 24 दिन। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी करता है 16 दिन में, और सी करता है 24 दिन में। ए बी और सी, नोट करते रहिएगा क्वेश्चन, तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, जबकि उसके 5 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। किस दिन बाद? 5 दिन बाद। 5 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया और 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो बताइए कि शेष काम सी कितने समय में पूरा करेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, सी उसी काम को 24 दिन में करता है, ए बी सी तीनों ने मिलकर काम की शुरुआत करी, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, 5 दिन बाद उसके 5 दिन बाद उसके 5 दिन बाद कौन काम छोड़कर चला गया? बी भी काम छोड़कर चला गया उसके 5 दिन बाद, याद रखिएगा इसको, और सी उस शेष काम को अकेले कितने समय में पूरा कर पाएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा तुरंत, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द एलसीएम, 12, 16 और 24 का एलसीएम बटा कितना हो जाएगा, तुरंत करिए 48। ध्यान दीजिएगा 12 चौक 48, जैसे यार 10 क्वेश्चन लगाओगे ना एलसीएम अपने आप रट जाता है, एलसीएम रट जाता है, क्योंकि एलसीएम इसका ज्यादातर क्या जानते क्या होता है, 20, 24, 30, 36, 48, 60, 75, 90, 120, 180, 360, 240, 540, ऐसे इसके एलसीएम फिक्स होते हैं, क्योंकि इसमें रिपीटेड डिजिट्स बार बार पूछी जाती है, तो एलसीएम का विशेष आप ध्यान देंगे, एलसीएम का विशेष ध्यान अगर आप देते रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से देखिएगा, बात समझते हैं, अब 12 चौके 48, 16 3 48 और 24 2 48, ध्यान दीजिएगा इसकी औकात 4 यूनिट, इसकी औकात 3 यूनिट और इसकी औकात 2 यूनिट। अब देखिएगा क्वेश्चन बेटा, यही हम बना लेते हैं, कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, मतलब 2 दिन तीनों ने काम किया होगा, 4 3 7 2 9 का गुणा कर देंगे, बेटा कितना काम हो गया यहां, 18 यूनिट काम हो गया, ए आउट गया, बचा कौन? बी और सी बचे हुए हैं। जब बी और सी बचे हुए हैं तो बी और सी कितने दिन बाद गया है? 5 दिन बाद गया है बी, तो 5 गुणा करेंगे बी सी, 3 2 5, कितना काम हो गया? 5 में 25। अब यहां से बी भी चला गया, बचा कौन? सी। सी काम करेगा, सी के 1 दिन की औकात कितनी है? 2 यूनिट। बेटा यहां पे 18 काम हो गया, यहां पे कितना काम हो गया? 18। यहां पे कितना हो गया? 25। तो 25 और 18 कितना हो गया? 43। 43 वर्क बेटा हो चुका है, टोटल कितना है? 48 है, तो इसके लिए कितना काम बचा है बेचारे के लिए? मात्र 5 यूनिट, क्योंकि 18 यहां, 25 यहां, 25 5 30 और 18 48 पूरा हो गया। और सी की 1 दिन की औकात कितनी है? 2। आपका उत्तर आएगा 2 सही 1/2 दिन। क्लियर है? ये तो कॉन्सेप्ट हो गया पूरा जो मैंने अभी तक आपको बताया, लेकिन अगर इसको नोट डाउन कर लीजिए बस तुरंत, उसके बाद मैं मिटाने वाला हूं, तुरंत मिटाने वाला हूं, और इसके बाद एक जो दूसरा एक्स वाला फॉर्मेट था उस पे भी इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए तुरंत।
साथ साथ नोट करते रहा करिए। अब देखिए, क्या करना है, 12 चौके 48, 16 3 48, 24 2 48, टिक, 2 A+B+C मिलकर काम किया, प्लस 5 ए यहां से जा चुका था, 3 + 2 क्योंकि यहां पे ये चला गया, यहां पे ये चला गया, प्लस एक्स गुणे 2 = 48। बेटा एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 5/2 ही आएगा, जिसे हम 2 सही 1/2 दिन कहेंगे, यही आपका आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट। बाकी कोई परेशानी आपको यहां पे आने वाली नहीं है, सीधी सी बात। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, इसको नोट करिएगा, इसको बहुत ही रेयर तरीके से आपको ध्यान देना है, समझना है इसको। जानते हो यार गणित क्या है, गणित भावनाओं का खेल है। भावनाएं जानते क्या होता है, भावनाओं का मतलब होता है ना कि जो चीज़ दिखे ना यार होती है। हुनर दिखता है कभी, कभी नहीं, हुनर होता है, दिखता नहीं है। तो वो अपने अंदर जगाइए, कोई भी बंदा यार गणित कोई भी लगा सकता है, गणित बहुत आसान होती है, बहुत आसान सब्जेक्ट है गणित। और अगर आप चाहो तो यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, ये मेरा दावा है, ये मान के चलो, क्योंकि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, इसमें यार कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो कभी कभी बोलते 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 चुप हो जाता हूं, क्यों एनर्जी खत्म हो जाती है यार, क्या करूं, क्योंकि दिन भर बोला हूं, उसके बाद फिर रात को आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, यार कितनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन थकता नहीं हूं कभी। तो आप क्यों थक रहे हो यार, आपके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया आपके माता पिता ने, सब कुछ किया है, आप सब कुछ कर सकते हो। जो एक कॉमन पर्सन, जो कॉमन व्यक्ति है इस दुनिया का, वो सारे काम कर सकता है। और ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा करिए यार ना कि पानी में आग लग जाए, बस मेरी इच्छा यही है। और मेरी अगर इच्छा यही है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा जरूर करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पे जो बातें हुई हमारी, वो किस बारे में हुई, कि बंदा काम कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा फिर से, इसी क्वेश्चन को बेटा एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि मॉडल नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया कि एक बंदा है, दो बंदे हैं, कोई इतने दिन में करता, कोई इतने दिन करता है, दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, इतने दिन बाद काम छोड़कर चले जाता है। जब इतना दिन बाद वो काम छोड़कर चला गया तो कुछ काम शेष बचेगा, तो जो बचा हुआ बंदा था वो कितने दिन में पूरा करेगा, कॉन्सेप्ट ये आके बनता है। यहां पे ये चीज आके आपको प्रूव करनी है, निकालनी है, दिखानी है, तो दिखाना तो पड़ेगा ना। तो दिखाने का तरीका मैंने बता दिया। अब बेटा हम बात करेंगे मॉडल नंबर 4। अब मॉडल नंबर 4 क्या है, अब सीधी सी अगर यहां पे बात करें यार, तो क्या निकल के आता है मॉडल नंबर 4 में। मॉडल नंबर 4 में सीधा सिंपल सा एक फंडा आपके सामने आएगा कि मॉडल नंबर 3 में आपने देखा कि बंदे काम शुरू कर रहे थे और एक बंदा उसमें से काम छोड़ के चला जा रहा था, ठीक है, काम शुरू करने के बाद। लेकिन अब मॉडल नंबर 4 में काम खत्म होने के पहले छोड़ के भागेगा। बेटा कॉन्सेप्ट एम तुरंत चेंज एक लाइन में, कैसे बात बताता हूं यार, देखो सामने फिर बताता हूं। ए बी दो बंदे मेरे पास, और ए जो है ना एक दीवार बना सकता है, मान लेते हैं कितने दिन में, 8 दिन में, और ये दीवार बनाता है मान लेते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। ये दीवार बनाता मतलब ए किसी काम को कर सकता है 8 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 12 दिन में, दोनों मिलकर, क्वेश्चन नोट करिए, ए किसी काम को करता है 8 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में, दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पूर्व ए काम छोड़कर चला जाता है। काम समाप्त होने के 3 दिन पूर्व ए काम छोड़कर चला जाता है। जब 3 दिन पूर्व ए काम छोड़कर चला जाता है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व ए कार्य छोड़ कर
चला गया तो कार्य कितने दिन चला। बेटा आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न ये है, एक इसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं और काम करते जाते हैं। जब काम को 3 दिन रह गया था तो ए काम छोड़कर चला गया। तो मतलब कहने का मतलब बेटा कॉन्सेप्ट क्या है कि अंतिम 3 दिन में कितने अकेले काम किया? जाहिर सी बात है बे ने किया, क्योंकि अंतिम 3 दिनों में ए नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट वही है, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 24। तो 8 3 का 24, 12 2 24, है ना? ध्यान दीजिएगा बेटा, अंतिम 3 दिन में कौन काम किया? अंतिम 3 दिन में बेटा अकेले बी ने काम किया। क्यों? अंतिम 3 दिन में ए काम पे नहीं था। कि था? नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, तो अंतिम के 3 दिनों में किसने काम किया? बी ने काम किया। और इसके 1 दिन की औकात कितनी है? 2 यूनिट, मतलब 6 यूनिट काम अंतिम 3 दिनों में किया। किसने किया? बी ने किया। क्या मैं सही हूं? हाँ बताइएगा जरूर कि मैं सही हूं या गलत हूं। चलिए आगे बढ़ता हूं। हाँ आप बताना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। और बात बताएं, अगर कोई भी, मैं आप लोगों के लिए हूं यहां, अगर कोई भी समस्या आती है मैथमेटिक्स या रीजनिंग से रिलेटेड, रीजनिंग के भी वीडियो आपको मिलेंगे, रीजनिंग से रिलेटेड या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नो डाउट। और इस पे जो आपको नंबर दिया जाएगा उस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब आप लोगों के लिए हैं और जो भी कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ये आप विश्वास मानिए। और मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हम जो भी कर रहे हैं इतनी रात को अगर जग रहे हैं, अपनी नींद को त्याग कर, नींद को मैं अभी सुला के चला आया, आपको बता रहा हूं, आप लोगों की याद आ गई, नींद को अभी सुलाया हूं, सुला के आ गया हूं, आपके सामने खड़ा हूं, कोई बात नहीं है, फिर भी चलता है। तो अंतिम 3 दिनों में किसने काम किया? बी ने काम किया। मतलब अंतिम 3 दिनों में ए नहीं था, इसका मतलब इसके पहले कौन मिलकर काम कर रहे होंगे? ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे, ये तो तय है ना? हाँ बिल्कुल ये तय है। जब ए और बी ने मिलकर काम किया होगा तो 24 बेटा टोटल काम है, 24 में से 6 काम हो गया, तो बचा कितना काम है? खुद दिमाग लगाइए, 24 में से 6 गए, 18 और ए प्लस बी दोनों मिलकर काम किए 3, दो 5 से भाग दे दो तो ये हो गया 5 3 15, 3 सही 3/5 दिन। तो ध्यान दीजिएगा कुल दिन, तो बेटा कुल दिन यहां पे आ जाएगा कितना? 3 दिन वो और 3 सही 3/5 दिन ये, बराबर 6 सही 3/5 दिन, ये आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देखेंगे, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। और ध्यान दीजिएगा यहां पे कॉन्सेप्ट देखिए यार, कुछ नहीं करना है, ए किसी काम को 8 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, उसी काम को 12 दिन में। और ध्यान दीजिएगा तीनों ने, मतलब दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, और काम की शुरुआत जब दोनों ने मिलकर की तो जब काम को 3 दिन बाकी रह गया था तो ए बेचारा रिटायर्ड हो गया, वहां से चला गया, तो शेष काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा। तो कार्य कितने दिन तक चला? अंतिम 3 दिन बी ने काम किया, 1 दिन की औकात, 2 यूनिट, तो कितना यूनिट काम हुआ होगा? 6 यूनिट। अब 24 में से 6 तो हो गया, तो बचा कितना? 18। वो किसने किया होगा? ए और बी ने मिलके किया होगा, सीधी सी बात है। तो ए और बी की औकात है 3 2 5 से भाग दे दिया तो 3 सही 3/5 दिन यहां लगा था, 3 दिन वहां लगा था, टोटल दिनों की संख्या आ गई 6 सही 3/5 दिन। ये तो बात हो गई यहां पे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस बनाए रखो, आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो मैं भी कॉन्फिडेंस में रहूंगा, और क्या। चलिए हो गया ना लॉजिक क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसको हम एक्स वाले फॉर्मेट पे देखते हैं।
कुछ खास नहीं करना है, चीज यहीं तक लगानी है, इसके बाद लिखना है माना कार्य एक्स दिनों तक चला, माना कार्य एक्स दिनों तक चला। कितने दिन तक काम चला? एक्स दिन तक काम चला। एक बात बताओ यार, काम छोड़ के कौन भागा? ए भागा कि बी भागा? ए। कितने दिन पहले काम छोड़ के भागा? 3 दिन पहले। तो एक्स दिनों में से, एक्स दिनों में से 3 दिन कम काम किया किसने? ए ने। प्लस पूरे एक्स दिन तक काम किया किसने? बी ने। तब पूरा काम हो गया कितना? 24। फिर से देखिए, माना कार्य एक्स दिनों तक चला, अब एक्स में से 3 दिन कम काम किया किसने? ए ने। तो ए के 1 दिन की औकात 3 गुणे एक्स माइनस 3, क्योंकि एक्स माइनस 3 दिन काम किया है और इसने 2x यानी 2 इसके 1 दिन की औकात है और x दिन इसने काम किया क्योंकि x इसने छोड़ा ही नहीं काम भाई। तो x दिन अगर काम चला तो b ने x दिन काम किया और टोटल काम हो गया इतना। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम तो x यहां पे हो जाएगा 3x - 9 + 2x = 24। ध्यान दीजिएगा तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना? 3 × 2 = 5x = वो जाके बेटा उधर जुड़ जाएगा, तो जब उधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 33/5 = 5×6 = 30, 6 × 3/5 दिन। ये देखो यहां से भी बेटा वही सेम आंसर यार यहां से भी आ रहा, ये ऐसे बिल्कुल ये वाले फॉर्मेट में यार चलना है आपको, और कुछ नहीं, सिर्फ भावनाओं को समझिए। बार बार कहता हूं शब्दों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है? और ध्यान दीजिएगा अभी आगे तो आपको एक फॉर्मूला मैं दूंगा, हर चैप्टर में एक फॉर्मूला दूंगा जिसका नाम होगा आर्यस स्पेशल, रविशंकर तिवारी स्पेशल। ये आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। बाकी सारी यार क्या करना है, कुछ नहीं, मैथ है, इसे क्या कहते हैं जानते हो? क्या कहते हैं? दिमाग, दिमाग का खेल है, दिमाग की कसरत है यार। कसरत केवल बाबा रामदेव ही कर सकते हैं, हाथ पैर से पेट हिला के, क्या हम नहीं कर सकते यार? हम अपना दिमाग चला के करते हैं कसरत, और क्या, हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। वो भी एक बात बता दें, इस दुनिया में 2 ही टाइप के इंसान मिलेंगे, जानते हो? 2 ही टाइप के इंसान है, एक जो मुझे जानते हैं और दूसरे जो मुझे नहीं जानते, बस। ये आप भी कह सकते हो, सीधी सी बात है, कोई भी कह सकता है, कोई भी कॉमन पर्सन कह सकता है कि दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक जो मुझे जानते हैं, दूसरे वे जो मुझे नहीं जानते। पता नहीं किन की संख्या ज्यादा है, ये मुझे नहीं पता, जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन मैं यहां नहीं रहूंगा, पता नहीं कहां रहूंगा। चलिए बात समझ में आ गई यहां तक, चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए मिटा दे फिर। ओके डन। नोट करते रहिए बिल्कुल टॉपिक वाइज, और इस पे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, उसके आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा, सारा कुछ मटेरियल मिलेगा, बहुत सारे मैटर मिलेंगे जिससे आप यूपीपी, लेखपाल, इसके अलावा रेलवे, एसएससी, 10+2 और सीजीएल के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस भी मैं आपको दूंगा। जैसे क्या होता है, लगभग 20 मॉडल के बेटा प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उसके जो 8 मॉडल के प्रश्न और होते हैं वो बेसिकली केवल सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं, उसकी मैं अलग से क्लास, जिस दिन वो स्पेशल टॉपिक आएगा मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक कहाँ यूज किया जाना है और कैसे यूज किया जाना है, ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, इसका तरीका क्या होता है, इसको बनता यार खोद के निकालेंगे। कहें आप लोग परेशान हो रहे हैं, एक एक टॉपिक उसको कहां कहां से निकालेंगे आप खुद नहीं समझ पाओगे, इतना मैं वादा करता हूं आपसे। चलिए थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, क्या मॉडल नंबर 4 का एक और प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। अब की बार 3 बंदों को इंक्लूड करते हैं, यार 2 को करते करते थक गया हूं, एक बार 2 को, फिर एक बार 3 को, फिर ये अपना आखिरी क्वेश्चन होगा एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ, ये अपना आखिरी क्वेश्चन होगा, इसी के साथ हम आपसे आज के लिए विदा लेंगे। लेकिन ये अभी का आखिरी क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कि 3 बार
तीन बंदों को मैं इंक्लूड कर रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कहूं, अब याद रखिएगा इस क्वेश्चन में बेटा, चाहे नोट करके हेडिंग लगा के लिख लो, इस प्रश्न में जो एक्स वाला फॉर्मेट है आपको वही यूज करना है। एक्स वाला फॉर्मेट, उसमें गलती का कोई चांस नहीं मिलेगा और एक्स वाला फॉर्मेट ही आपको हम यूज करवाएंगे। ये बेसिक सी बात है, इसको बढ़िया से दिमाग में बैठा के रख लीजिए, ठीक है। बाकी और कोई परेशानी वाली बात नहीं है यार, लगा तो हम इससे भी सकते हैं, लगा तो हम उससे भी लगे, लगा तो हम मन में भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम का प्रेशर होता है यार, टाइम बचाना। देखो एक बात बता दें, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम इज पावर। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास समय होना चाहिए, ठीक है। तो समय बचाना है। समय कब बचेगा? जब घर पे अपने कमरे में बहुत सारा समय एक्सपेंड करेंगे आप पढ़ने पे, तो एग्जाम में समय बचेगा। और एग्जाम में एक मिनट बचाने के लिए आपको पता नहीं कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती है आपको अपने घर पे। ये विशेष तौर पे आप याद रख लीजिए, इसको दिमाग में रख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, छोटी सी बात बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर सोचोगे तो कई रातें छोटी पड़ जाएंगी सोचने के लिए। तो इस चीज को आप विशेष तौर पर याद रखिए, इसको सोचिए, समझिए, जानिए। तो दूसरा क्वेश्चन बेटा हम ले रहे हैं मॉडल नंबर 4 का। जैसे मैं कहूं अगर ए बी सी, बेटा तीन बंदे हैं, ठीक है, तीन बंदे हैं, ए किसी काम को कर देता है, मान लेते हैं पंद्रह दिन में, ये कर देता है 18 दिन में, और ये मान लीजिए करता है कितने दिन में, 30 दिन में। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन फिर से नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 15 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में। तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, शुरुआत की, पर कार्य समाप्त होने के चार दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया और तीन दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बताइए कि कार्य कितने दिनों तक चला। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 दिन में, बी 18 दिन में, तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। तीनों ने मिलकर दे स्टार्टेड टू, वे तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, पर कार्य समाप्त होने के चार दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है और तीन दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, तो बताइए कि कार्य कितने दिनों तक चला। तो सीधी सी बात है बेटा, यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम 15, 18 और 30 का एलसीएम बेटा यहां पे आएगा, तुरंत कर लीजिएगा। 90 एलसीएम निकालने का तरीका बता चुका हूं, पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें तरीका मैंने बताया है और उसको ढंग से रिमाइंड करके आप देख सकते हैं, ना समझ में आए बातें दो बार तीन बार में, लेकिन ऐसा बता दूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता शायद ना पड़े, सारा मैटर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, डेली मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 15 6 90, 18 5 90 और 30 3 90, क्लियर है। ए की एक दिन की औकात 6 यूनिट, बी की औकात 5 यूनिट और सी की औकात 3 यूनिट, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे हम माना एक्स वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, माना
कार्य एक्स दिनों तक चला। कितने दिन तक चला? एक्स दिन तक। अब एक बात बताओ यार, काम किसने नहीं छोड़ा है? सी ने काम नहीं छोड़ा, क्योंकि ए भी काम छोड़ चुका है और बी भी काम छोड़ चुका है। काम किसने नहीं छोड़ा? सी ने नहीं छोड़ा। इसका मतलब सी ने पूरे एक्स दिन तक काम किया और ए ने कितने दिन पहले छोड़ा? 4 दिन। तो एक्स में से 4 घटा दीजिए, इतने दिन काम किया ए ने। ए के 1 दिन की औकात कितनी? 6 से गुणा। प्लस ध्यान दीजिएगा, एक्स में से 3 दिन नहीं काम किया है बी ने और उसके 1 दिन की औकात 5 यूनिट। प्लस पूरे एक्स दिन काम किया सी ने और पूरा काम हो गया कितना? 90। बेटा आपका इक्वेशन बनके तैयार हो गया। इसी को हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन कैसे बनाना है, समीकरण कैसे बनाना है, सामने देख लीजिएगा। सारी चीजें आपको स्पष्ट करने लेनी है, क्लियर कर लेनी है, फिर से एक बार देख लीजिए। जब मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि एक बार ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 18 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को शुरुआत करते हैं, परंतु कार्य समाप्त तो होने के 4 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है और कार्य समाप्त तो होने के 3 दिन पहले बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बताइए कि वह कार्य कितने दिनों तक चला। अब बेटा बात यहां पे करते हैं कितने दिनों तक चला, तो ये हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स में से 4 दिन कम काम किया किसने? ए ने। एक्स में से 3 दिन कम काम किया किसने? बी ने। और पूरे एक्स दिन तक काम किया किसने? सी ने। और काम हो गया कितना? हो गया 90 यूनिट वर्क हैव बीन डन, खत्म हो गया काम। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, वेरी सिंपल। 6 6 5 11 3 14, 14x बराबर 90 प्लस 6 चौक 24 प्लस 5 3 15। तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर यहां पे हो जाएगा 90 में हम 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 में हम जैसे ही जोड़ेंगे 24 तो ये हो जाएगा 114, और 5 जोड़ेंगे तो 129, 129 में हम डिवाइड कर देंगे 14 से, तो बेटा कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, 14, 14 नवा में होता कितना? 126। तो 9 सही, 3/14 दिन आपका टोटल लगेगा। कितना लगेगा? इतना दिन टोटल लगेगा। यही इसका तरीका है सॉल्व करने का। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 18 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए, तीनों ने मिलकर एक साथ काम की शुरुआत की, परंतु कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है तथा 3 दिन पहले बी ने भी कार्य छोड़ दिया, तो बताइए कि वह कार्य कितने दिनों से चला। सबसे पहले 15, 18 और 30 का हम एलसीएम लेंगे जो कि 90 आया। अब 15 6 90, 18 5 90 और 30 3 90, तो ए की औकात 6 B की 5 और सी की 3। बात समझ में आ गई यहां तक? ये बार बार मैं करते चला आ रहा हूं। माना वह काम एक्स दिनों तक चला। जब वो काम एक्स दिनों तक चला तो एक्स समय से 4 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ए ने 4 दिन कम काम किया और उसके साथ गुणा कर देंगे 6 का, क्योंकि 1 दिन की औकात 6 यूनिट। तो एक्स माइनस 4 दिन की औकात कितनी? इतनी हो गई। तो यहां पे एक्स माइनस 3, क्योंकि 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, उसमें 5 का गुणा, और सी ने तो काम छोड़ा ही नहीं, उसने एक्स का गुणा करके टोटल हम कर देंगे कितना? 90। अब 14x, क्योंकि 6 6 3 9 9 5 14x बराबर, ये उधर लाके जोड़ देंगे, पूरा 129/14 आ जाएगा। 9 सही, 3/14 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज 4 क्वेश्चन मैंने मॉडल 3 और मॉडल 4 के दिए हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, और वादा करता हूं कि ऐसे ही आपको डेली दो दो वीडियो जिसमें दो दो कॉन्सेप्ट यानी 4 कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के आपको डेली मिलते रहेंगे। और मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि वर्क एंड टाइम का जो आपका पार्ट 3 होगा, ये आपको वीडियो कल मिलेगा, और प्लीज लाइक करिए इसे और शेयर भी करिए, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जानते हैं
सबसे बड़ी कमजोरी है यहां की, सबको लाभ पहुंचाइए, स्वयं में मत रखिए किसी चीज को, अच्छी चीजों को हमेशा बांटना चाहिए, तो उसको बांटिए, अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए, उनको लाभ पहुंचाइए, और मैं वादा करता हूं कि आपको वो लाभ पहुंचाऊंगा कि शायद जिनकी कमी थी आपके जीवन में। मैं भी काफी दिनों से ये एनालिसिस कर रहा हूं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इस मार्केट में, इलाहाबाद की जैसे मार्केट में, या लखनऊ या दिल्ली, क्या कमियां रह जा रही हैं यार, क्या उसमें बातें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं। छूटने का इन द सेंस मतलब ये है कि जैसे कोई वीडियो होता है उसमें जरा सी बात बता के कोई चीज डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर वो चीज क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको यहां पे एक भी टॉपिक इधर का उधर नहीं दिखेगा, ये मेरा वादा है। आप ये चीज दिमाग में रख लीजिए, ये जान लीजिए, इसको दिमाग में रखिए कि मैं आपके लिए यहां खड़ा हूं। इस आधी रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास का ये वक्त होगा जब मैं आपसे ये बातें बोल रहा हूं। शायद कुछ लोग सो रहे होंगे, शायद कुछ लोग जग रहे होंगे, तो मैं उनको जगाने के लिए ये कहता हूं। बाकी तो कुछ नहीं है यार, सब कुछ धुआं हो जाएगा, ये मान के चलिए सब कुछ धुआं हो जाएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, इसको देखिए, और कल फिर से हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो बस आज मैं आर्यस तिवारी आप लोगों से विदा देता हूं, शुभ रात्रि।